तीन ही समस्या है जगत में महाराज, माताओं की बहू सुनती नहीं, बाप लोगों की बेटा सुनता नहीं, माता लोग लड़का पढ़ता नहीं। लड़का किसका? तुम्हारा। आप नहीं पढ़ोगे तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? घंटा दो घंटा स्वयं भी पढ़ो वो पढ़ेगा। महाराज समय नहीं, धरती पर ऐसा कोई नहीं है जिसके पास समय नहीं है। जो समय से गरीब है वो धरती का सबसे बड़ा गरीब है। पढ़ने वाला, भजन करने वाला, सब काम आप कर सकते हो। भैया देखो बहुत कठोर बात है, पूज्य बाबूजी बैठे हैं, मुझे थोड़ी मर्यादा की रक्षा करनी है, लेकिन फिर भी बता दूं आपको, धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपने विषय और विकार के लिए समय नहीं निकाल पाता है। विषयी व्यक्ति, अभी हम लोग आ रहे थे, कहां से आ रहे थे? चेन्नई से। आपको पता है ना, एयरपोर्ट में शराब ले जाना मना है। एक आदमी पर्स में लिए था, गिर पड़ा, फूट गया। अरे भाई जब एयरपोर्ट पर मना है आप क्यों लेके चल रहे हो? क्या उपाय? मना है, एक्सरे में निकल जाएगा, लेकिन जीव अपने विकार को, सब प्रकार से विकार को लपेट कर बैग में, पेट में, एनी हाउ। तो जब सब जगह जा सकता है तो ये माला में ही कौन सी व्याधि है साहब? एक बार एयरपोर्ट में चेकिंग हो रही थी तो मैं तो झोली लेके हमेशा चलता हूँ, ये रामनामा रहता है। देखिए विकार का कैसा प्रभाव होता है। वो अधिकारी बोले, जी आप तो ये झोली में तो टेक नहीं लगाए, नहीं ले जाएंगे। तो मैंने रामनामा को उठाया, ऐसे गले में लपेट लिया, ऐसे लपेट लिया ये, और माला रखी थी झोली में तो माला पहन लिया। बोले भैया अब का गले में टेक लगाऊं? बोले अब जाओ। क्यों? नहीं तो माला के चक्कर में मेरी प्लान कैंसिल होगी, भैया अगली कथा कैसे होगी? आपको करना होगा तो कुछ भी कर सकते हो भैया, नहीं करना होगा तो भजन के लिए एकदम समय नहीं है, तो यहाँ का उदय कैसे होगा? भाग्य उदय करना है तो किसी प्रकार दूसरे की व्याधि सुनने से बचना होगा और भगवान की चर्चा में तत्पर रहना होगा। यदि भगवान की चर्चा में हम तत्पर हैं, हम धरती के सबसे सौभाग्यशाली जीव हैं। दूसरा आ करके ए सुनिए, सुनाइए। क्यों सुनाओगे भैया? हम कोई खाली बैठे हैं क्या? नहीं सुनेंगे साहब, एकदम नहीं सुनेंगे। हमारे यहाँ जो लोग, क्या बताएं, हमारे भैया लोगों की जब कोई बुराई करने आता है तो मैंने कहा भाई जा, तेरा थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं रही, कान में आवाज़ आ रही है, मैं सुनता ही नहीं, क्योंकि इन्हीं के साथ जीना, इन्हीं के साथ जाना है, इन्हीं के साथ रहना है। क्यों? किसी की, हम दूसरे के द्वारा अपने अपनों की निंदा क्यों श्रवण करें? किसी जीव की निंदा क्यों श्रवण करें? किसी व्यक्ति की? हम कोई डस्टबिन है क्या जिसको मौका मिले लाके हमारे में झाड़ जाएगा? कुछ भी नहीं सुनना। ये कहा, ये पाप है। कहो कवन अघ परम करा। किसी की निंदा न सुनना, ये साधुता, ये संतत्व है और यही साधकता है। सुनना नहीं, कहना भी नहीं। एक और बात आपको, ठाकुर सुदर्शन सिंह जी चक्र ने एक बात द्वारिकाधीश नामक ग्रंथ में लिखा है, कई लोग अपनी बात कहते तो हैं लेकिन ये अवश्य कह देते हैं कि आप किसी से कहिएगा मत। उन्होंने आगे लिखा, वह बात जो आप अपने अंदर नहीं पचा पा रहे हैं, दूसरे से इसी विश्वास के साथ कहना चाह रहे हैं कि जो हम नहीं पचा पाए, आपका पाचन तंत्र ठीक है। कैसे संभव है साहब? आपने जिसको नहीं पचाया, दूसरा कैसे पचाएगा? यही सत्संग की वास्तविक गति है। हम चर्चा भक्त की करें, भगवान की करें। आप पूरे रामचरित्र में दर्शन करिएगा, मेरे परमात्मा किसी की कहते नहीं और किसी की सुनते भी नहीं। सुग्रीव जी ने थोड़ा कोशिश किया, यत्न किया सुंदरकांड में, प्रभु मैं जानता हूं। भगवान ने वही पंक्ति जो हमने कल आपसे निवेदन किया, सखा मंत्र तुम
नीक विचारी। मैं क्या करूं स्वभाव का, ममपन शरणागत भय हारी। श्री हनुमान जी महाराज से भी विभीषण जी ने अपने भाई की निंदा नहीं की, पूरी कथा दर्शन करिए। विभीषण जी ने अपने भाई की राम जी से भी निंदा नहीं की, क्योंकि उनको पता है राम जी सुनते नहीं है। क्या कहा, श्रवण सो यस सुनि आयु प्रभु भनु जन भव भी। ये कहा, मैं आपका यश सुन करके आया, भाई के त्रास देने से नहीं आया। और मेरे राम जी, मेरे प्रभु ने बाबा वाल्मीकि जी जैसे बैठे तो जानना चाहते हैं प्रभु आपका यहाँ आना कैसे हुआ। क्या कहा, जैसे जैसे वनवास हुआ था सब सुना दिया, परंतु क्या सुनाया, बोले तात बचन पुण्य मात हित भैया भाई भरत यस राम मो कहु दर्श तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभा देख पाय मुनिराय तुम्हार भये सुकृत सब क्या भये सुफल सब सुकृत हमारे। हे प्रभु मेरे सभी सुकृत सुफल हो गए, अर्थात आपका दर्शन हुआ मेरे पुण्य सारे उदय हो गए। ये क्या है, और यदि सामान्य जीव कहता तो कहता हाँ मेरी माता जी ने वचन मांग लिया, दो वचन मांगा मैंने सुना, मैं तो भाग लिया। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, मेरा सौभाग्य वर्धन हुआ आपका। अब देखिए, हम जिस तरह की वार्ता घर में करते हैं बच्चों का वैसा स्वभाव बन जाता है। हम यदि निंदा करेंगे तो बच्चे हमारे निंदा के अभ्यासी हो जाएंगे, हम प्रशंसा करेंगे बच्चे हमारे प्रशंसा के अभ्यासी हो जाएंगे। हम जिस प्रकार का परिवेश बच्चों को देना चाहते हैं, जिस प्रकार का स्वभाव बनाना चाहते हैं, बच्चों को कहिए मत रहिए। आपके रहने से बच्चों के अंदर अपने आप सत्संगति का भाव बन जाएगा। ये गीत है, अरे सत्संगति से प्यार करना सीखो, संग में जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। कितनी अच्छी बात, एकदम मंत्र है। अपने घर में अपने परिवार में श्री रामचरित मानस जी का पारायण मत करिए, इसको समझ करके अर्थ सहित सुनिए। पांच दोहा एक दोहा हमने आपको ये पंक्तियां गा के सुनाई। अघ क्या है, दूसरे के निंदा करना। यदि करनी है तो निंदा नहीं। हाँ एक बात और आई, यदि हम इसकी निंदा करते हैं इस स्टैंड की, तो इसके सामने करें, उस कक्ष में ना करें। क्या अर्थ हुआ, जब हम किसी की निंदा उसके सामने करते हैं तो उसका कोपभाजन हमको बनना पड़ता है, उसको कहते हैं समालोचना। वो आलोचना नहीं है, वो निंदा नहीं है। हम जब करते हैं निंदा तो हम सावधान रहते हैं कि हम ऐसा कहें इनको बुरा भी न लगे और काम भी बन जाए। घर में बच्चों को सिखाना हो तो कभी, अभी चेन्नई कथा में प्रसंग लिया था मैंने, कभी बच्चों को, चार बच्चे घर में हैं तो किसी से किसी की तुलना न करें, वरना उनमें हीन भावना उतरती है। और यदि चार बहुरानियां हैं, किसी को समझाना है तो चारों को बैठाकर एक साथ समझाइए। अलग अलग आपने किया, एक के मन में आएगा उनसे न जाने क्या कहे, उनसे न जाने क्या कहे। मैं अपने जीवन में कभी, ये लोग 20 लोग हैं यहां, कभी किसी को अलग अलग नहीं बुलाता। क्यों, फिर चर्चा करें क्या कह रहे थे महाराज श्री आपसे, मैं बेमतलब का आफत में क्यों पढ़ूं। मुखिया को, पिता को, राजा को, सभी मंत्रिमंडल को, इसलिए देखा होगा आपने कि हमारे देश का मंत्रिमंडल एक साथ बैठता है। अब क्या होता है वो तो भगवान जानता है, लेकिन एक साथ कैबिनेट बैठनी चाहिए, सबको अपनी अपनी बात रखनी चाहिए, मर्यादा में रखनी चाहिए, जिससे सबका प्रेम बढ़ता है। किसी के प्रति हमारे अंदर अलग अलग भाव नहीं आता है। जिसकी बात कहनी हो उससे कही जाए, ये निंदा नहीं ये समालोचना है, उसको व्यवस्थित करने के लिए कही जाती है।
अब आगे कागभूषुंड जी महाराज कहते हैं कि किसकी निंदा से कौन क्या बनता है, ये जरा कठोर है, क्योंकि कितना भी मैं आपको सुना रहा हूं लोग समझते देर में, तो इसलिए इस प्रसंग को मैं आपको कल सुनाऊंगा।